हेलो गाइस, वेलकम टू कर्ली टैरो 444। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। ये नया चैनल है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट इट, इसको प्यार दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस वीडियो को भी एंड में लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो है सैटर्न रेट्रोगेड पे क्या इफेक्ट होगा आपके फ्यूचर में, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेड में होता है प्लैनेट्स का अपने एक्चुअल पोजिशन से कुछ सेंटीमीटर्स पीछे चले जाना, जो आपके कर्मास को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, वो सब आप आज की पिकअप आइल रीडिंग में जान सकते हैं। कमिंग टू द रीडिंग, आप पर्सनलाइज फ्री रीडिंग भी जीत सकते हैं मुझे सिर्फ फॉलो करके इंस्टाग्राम चैनल पे, साथ साथ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब। और हर 2 वीक्स में एक विनर अनाउंस होता है जो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालती हूँ। तो अगर आपका नाम आता है आप DM करके अपनी पर्सनल रीडिंग क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मैं डेली कार्ड पुल करती हूँ, मैनिफेस्टेशंस के बारे में बताती हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू आर फ्री टू चेक दैट आउट। और अब हम सीधा आज की रीडिंग की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। ओपन योर हैंड्स टू रिसीव, क्लोज टू फील एंड रिलीज टू गिव। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और स्वागत है आपका कर्ली टैरो 444 की अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग में। हाँ जी, जैसा इंट्रोडक्शन में बताया था, आज हम करेंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आपके कर्मों के द्वारा या आपकी डेस्टिनी के द्वारा। ऐसे क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं या कैसा ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपके लाइफ में इस रेट्रोग्रेड में, हम वो सब कवर करेंगे इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बना रखी हैं हमेशा की तरह। सो पाइल नंबर 1 है दिस शेल, लुक एट हाउ ब्यूटिफुल दिस शेल इज। ठीक है, पाइल नंबर 1 ही शेल है। पाइल नंबर 2 है ये स्टोन, ये ब्राउन गोल्डन सा स्टोन। पाइल नंबर 3 है ये बहुत ही ग्लेज्ड सा ग्लास स्टोन, आप देख सकते हैं काफी यूनिक सा। सो ये है आपकी पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। जो भी पाइल, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे अपनी पाइल बना सकते हैं। अगर आपने अपनी पाइल को चूज कर लिया है तो हम फर्स्ट पाइल के साथ चलेंगे, जो कि है ये शेल वाली। और पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप सीधा टाइम स्टैम्प पे जंप करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो सी यू देयर। ओके, सो वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये शेल का वाला एलिमेंट चूज़ किया था, पाइल नंबर 1 वालों लोगों ने, जानते हैं कि उनकी रीडिंग क्या होगी, क्या हो सकता है सैटर्न रेट्रोग्रेड में उन लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है, क्योंकि आपने शेल लिया हुआ है। ठीक है, शेल होता है, इसके अंदर मोती होता है, तो जब वो खुलता है हमें एक्चुअल ट्रेजर मिलता है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई सीक्रेट आपको शायद रिवील हो सकता है, जो आपने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। बाकी हम कार्ड से देखते हैं, क्योंकि कार्ड्स हमारी रीडिंग को और इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे। दे विल टेल कि क्या होने वाला है सैटर्न रेट्रोग्रेड में आप लोगों के लिए। सो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो गाइस, मैंने पहले के जैसे ही कार्ड्स निकाल रखे हैं, बट मैंने इन्हें पढ़ा नहीं है। मैं आप ही के साथ इनको खोलूंगी और जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे आप लोगों को बताऊंगी। 70-80% रिलेट करेगा गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए जो होता है पिक दैट, जो नहीं हो रहा है वो समझिएगा किसी और की रीडिंग के लिए बना है। बाकी पर्सनलाइज रीडिंग जानने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, राइट? ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। सो आपके पास पहले आया है द टावर, वाओ। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। आपके दोनों ही मेजर अरकानाज आए हैं, तो डेफिनेटली गाइस मैंने कहा ना, कोई राज खुलने वाला है, तो डेफिनेटली आपका कोई भ्रम टूटने वाला है गाइस। मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आप जो अभी तक किसी बिलीफ को लेकर चले हुए थे, या आप किसी सोच को लेकर, या कोई चीज़ को आप आज तक सच मान के चले थे, तो आपको उस सच की असली सच्चाई बहुत जल्दी पता लगने वाली है। आपके लिए शायद ये बहुत ड्रास्टिक चेंज हो सकता है, एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है किसी चीज़ का, जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे,
बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है पायल नंबर वन कि आपके पास कोई एक मेजर, कोई स्ट्रॉन्ग, आपको कोई एक चीज, एक रियलिटी चेक मिलने वाला है जो कि आपके आज तक के बिलीफ सिस्टम को या आज तक आप जो भी सोच रहे थे उसको पूरा शेकअप कर देगा, और उसके बाद आपको एक एक्चुअल पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक रियल पर्सपेक्टिव मिलेगा, और आप एक्चुअल में असली और नकली, सच और झूठ के बीच में आप आप समझ पाएंगे, सच और झूठ को नाप तोल पाएंगे, क्योंकि आज तक जो पट्टी पड़ी हुई है आपकी आंखों पे वो डेफिनेटली वो पट्टी उतरने वाली है। पता नहीं, आई एम वेरी इंट्रीग्ड कि क्या ये चीज़ किस चीज़ के बारे में हो सकता है। तो पहले हम और आपके जेन टैरो से देख लेते हैं, अगर जेन टैरो से क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर हम दोबारा एक टैरो कार्ड से भी मैं स्पेशल कार्ड पुल करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी सस्पेंस में रहे जैसे मैं अभी इस टाइम इन कार्ड्स को देख के सस्पेंस में हूँ। ओके, सो वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया इन रिवर्स। ओके, देन वी हैव द ड्रीम, शायद आपके सपनों में कुछ आपको हिंट्स मिल रहे हो। एंड देन वी हैव द कंपैरिजन कार्ड। ओके, सो गाइस, मुझे जो लग रहा है कि आप अपने फियर को फेस करने वाले हो, आप अपनी लाइफ के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फियर को फेस करने वाले हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तक जो चीज़ पे आपकी पट्टी पड़ी हुई है, जब ये पट्टी आपकी हटेगी तो आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फियर को फेस करने वाले हो, और शायद इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स से भी क्लू मिल रहा होगा। ठीक है, आपके शायद ड्रीम्स में ये चीज़ आ रही होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप ये फियर फेस करेंगे उसके बाद आप बेसिकली आप अपने ड्रीम्स की तरफ चलने लगेंगे, आप अपनी ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली दिख रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जब वो चेंज आएगा तो आप अपने एक्चुअल हाईएस्ट पोटेंशियल को जानेंगे, आपके क्या बिगेस्ट फेयर्स हैं आप उनको फेस करेंगे, और उसी के बाद इसका क्लू या तो आपको अपने ड्रीम्स से मिल रहा है, या फिर आप जब इन फेयर्स को फेस करेंगे तो आप अपने एक्चुअल ड्रीम की तरफ ज़रूर जाएंगे, और जब ये सब चीज़ें होंगी तब आपको एक एक्चुअल पर्सपेक्टिव मिलेगा कंपैरिजन करने का, क्या सही है क्या गलत, क्योंकि शायद आज तक आपको अच्छे बुरे सही गलत सच झूठ का पर्दा था आपके आगे, अब आप उन सब चीज़ों को क्लैरिटी से देखने लगेंगे। मुझे अभी भी इतना क्लियर नहीं आया है कि किस चीज़ के बारे में सच्चाई हो सकती है, सो आई एम रियली इंटरेस्टेड, एंड इसलिए मैं एक कार्ड पुल करूँगी आप लोगों के लिए स्पेशली। हम एक कार्ड पुल करेंगे, अगर उस कार्ड से कुछ क्लैरिटी आए तो मैं बताऊँगी, अगर नहीं आए तो मतलब यूनिवर्स वॉन्ट्स कि वो अभी सस्पेंस ही रहे। लेट्स सी पाइल नंबर वन के लिए ये टावर मोमेंट किस चीज़ का सिंबल हो सकता है। So we have the devil. Oh my god, another major arcana, the devil card. Okay, तो मुझे लग रहा है आप अपने comfort zone से बाहर जाने वाले, आप अपने comfort zone से बाहर जाने वाले, आप जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा depend थे वो चीज़ आपसे छूटने वाली, क्योंकि शायद वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी। ये एक relationship हो सकता है, ये कोई जॉब सिचुएशन हो सकता है, मतलब जिस चीज़ से आप डिपेंडेंट थे, आप जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, और जो चीज़ पे आपने अपने आप को निर्भर कर रखा था, तो अब आप वो चीज़ छोड़ने वाले हैं, वो चीज़ से आप दूर हटने वाले हैं जो आपको एक्चुअली में कंफर्टेबल फील कराता था, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो कंफर्टेबल फीलिंग आप एक झूठ के सहारे जी रहे थे कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, ये कार्मिक ट्रैप है, ये कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, और यूनिवर्स बहुत जल्दी आपको शेक करने वाला है कि नहीं ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, जितना तुम कंफर्टेबल फील कर रहे थे वो अब कंफर्टेबल फील करने का टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तुम अगर कंफर्टेबल रहोगे तो तुम शाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, सोना निखर नहीं पाता जब तक वो पिघलता नहीं है, तो अब टाइम आ चुका है वो हीट लेने का, तो वो हीट लेने का टाइम आया है, बट आप टेंशन मत लीजिए,
क्योंकि इसके बाद आपको एक एक्चुअल पर्सपेक्टिव मिलने वाला है और आप जो एक्चुअल लाइफ में डिजायर करते हैं, ड्रीम करते हैं, आप उस चीज की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं आपके क्या एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं। तो वी हैव वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो मुझे रिलेशनशिप सिचुएशन काफी लग रही है। एंड देन वी हैव द विक्ट्री कार्ड, वाओ ब्यूटिफुल। ओके गाइस, सो डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि आपका मन उस चीज से उठ जाएगा। आपका डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट लग रहा है कि जिस चीज को लेकर आप पकड़ के बैठे थे, जकड़ के बैठे हुए थे कि नहीं यही चीज मेरे लिए सही है, यही ऐसे होएगा, यही मेरे लिए बेस्ट बेनिफिट का था, अब आपका मन उससे उठता हुआ दिख रहा है। आप में डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट आ रहा है कि आप उस चीज से मूव ऑन करने की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे एनर्जी शिफ्ट डेफिनेटली दिख रहा है और ये एनर्जी शिफ्ट बेसिकली आपको विक्ट्री की तरफ लेके जा रहा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके हाईएस्ट एडवांटेज के लिए लेके जा रहा है। तो ये जो भी रिवेलेशन हो रहा है आपको, जो भी सीक्रेट रिवील हो रहा है, या जो भी सिचुएशन आपके सामने अब जो जिसका झूठ का घरौंदा बना था वो टूटेगा जब, तो आप उससे मूव ऑन करेंगे और अपनी विक्ट्री की तरफ को बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली आई कैन सी दैट। चलिए हमने यहाँ पे थ्री और ओरेकल कार्ड्स निकाल रखे हैं, हम इनको देख लेते हैं। सो वी हैव कमांडर अष्टक, कॉल टू एक्शन। सो डेफिनेटली अब आपको एक्शन लेने का टाइम, शायद आप लोग ये सिचुएशन फेस कर चुके हैं, आप वो जो टावर मोमेंट है अपनी लाइफ में आप उसको फेस कर चुके हैं, अब आपको एक्शन लेना है, अब आपको मूव ऑन करना है। काफ़ी रो लिया, काफ़ी अपसेट हो लिए, काफ़ी दुख मना लिया, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, कॉल टू एक्शन, एक्शन लीजिए, अब आगे बढ़िए। ओके, और नेक्स्ट हमारे को कार्ड आया हुआ है अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। सो डेफिनेटली आपको कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है, पर्सन, रिलेशनशिप, सिचुएशन, जॉब, कुछ भी है तो इस चीज़ को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इतने से ही एरिया में रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए कंफर्टेबल लग रहा है इतना से एरिया, पर जब तक आप इतने से एरिया में रहेंगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक्सपैंड करने के लिए इसका टूटना बहुत ज़रूरी है, तो इसे टूटने दीजिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कार्ड हमारे लिए आए हैं, विंडो क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ये कह रहा है कि आप फ्यूचर की तरफ जाने लगे हैं, आपको अपने आप अपने पास्ट और प्रेजेंट के साथ अलाइन होने लगे हैं। आपके जो पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी थी, जो चेंजेस हो रहे थे, वो सब आपके फ्यूचर की तरफ के लिए हो रहे थे। ठीक है, जो पास्ट में जो चीज़ें हुई या जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं, वो सब अब इस तरह से अलाइन हो रही हैं, इस तरह से सारी चीज़ें बन रही है कि आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स इस तरह से प्रिपेयर कर रहा है, आपके आसपास ऐसे इवेंट्स कर रहा है कि आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़े, जहाँ पर आपके पास बैलेंस हो, आपके पास अपने ड्रीम्स को अचीव करने का पैशन हो और डेफिनेटली विक्ट्री तो हो ही हो। सो पाइल नंबर वन ये है आपकी रीडिंग। अगर आपने इससे रिलेट किया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में लिखिए आई अफर्म दिस रीडिंग, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल टू, देखते हैं अब आपका क्या होगा सैटर्न रेट्रोग्रेड में, क्या मैसेजेस आते हैं, चैनल मैसेजेस आपके लिए जिन्होंने भी ये बहुत प्यारे से स्टोन चूज़ किया है। ओके, मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल रखे हैं बट मैंने इन्हें नहीं खोला है, मैं आप लोगों के साथ ही इनको खोलूंगी ताकि हमें पता लगे, इंस्टेंटली चैनल मैसेजेस आए। जनरल रीडिंग है गाइस, तो 70-80% रिलेट होगी। सो जो हो रहा है कीप इट दैट, और जो नहीं हो रहा है सोचिए वो किसी और के लिए आया था इस रीडिंग में। बाकी पर्सनलाइज रीडिंग जीतनी है वो भी फ्री में, तो यू नो द ड्रिल। ओके, सो ऑल द बेस्ट, लेट्स कंटिन्यू। ओके ओके, सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है 7 of Swords। ओके, एंड हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है Ace of Pentacles। ओके लवली, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिख रहा है द रिबेल कार्ड इन रिवर्स, फिर दिख रहा है कंडीशनिंग, फिर है हमारे पास गाइडेंस। लवली, आपके एनर्जी शिफ्ट्स देख लेते हैं। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, लवली। एंड देन वी हैव द टेंपल पाथ,
वी हैव गाइडेंस एंड द टेम्पल, तो बहुत फॉर्च्यून और बहुत स्पिरिचुअलिटी, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करने वाली है इस सैटर्न रेट्रोग्रेड में गाइस। तो अगर मैं इन कार्ड्स के बदौलत का हूँ तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई चेंज हुआ है, या तो आपके साथ किसी ने डिसऑनेस्टी की है, किसी ने आपको झूठ बोला है, किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपने खुद से झूठ बोला है, खुद को धोखा दिया है। आप हमेशा खुद को अपने आप को, जैसे हम एक होता है हमारा दिमाग हमेशा दो वॉइसेस बोलता है, हमारे अंदर दो आवाज़ें होती है, एक हमें चुप कराती है, एक हमें कुछ बोलती है, तो वो दोनों वॉइसेस आपस में लड़ती होंगी। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने अपने अंदर की जो आवाज़ है ना उसे हमेशा दबाया है, उसे इग्नोर किया है। सपोज़ वो कहती होगी आपको कि शायद आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, आपको पेंटिंग में आगे जाना चाहिए, पर आपके अंदर आप बोलते नहीं नहीं पेंटिंग में आगे क्या करियर है, इतना अच्छा फॉर्च्यून नहीं है, इतना अच्छा स्कोप नहीं है, ये सब आ रहा है आपके लिए। बट आपको ये कहा जा रहा है साथ साथ में कि आप ना आज तक द रिबेल इन रिवर्स आए, तो मतलब देख रहे हैं आप इसके इसके यहाँ पे सारी ये बनी हुई है, ये कड़ियाँ लगी हुई हैं इसके पैरों में, दबी हुई हैं सब है, तो ये रिवर्स में ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने मन की आवाज़ को दबा रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, आप जो एक्चुअल में जाते हैं वो खुद को दबा रहे हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली द सेकेंड कार्ड आया हुआ है कंडीशनिंग। अब देख रहे हैं ना ये लायन है और यहाँ वाइट ये भेड़िए हैं, ये सॉरी ये भेड़े बकरियाँ हैं, तो ये उन्हीं की स्किन पहनने की कोशिश कर रहा है और इसके भी यहाँ पे नीचे कड़ियाँ बंधी हुई है। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सोसाइटी की नॉर्म्स में जो अच्छा है, सोसाइटी की नॉर्म्स में जो एक्चुअल चीज़ है वो आप चीज़ अपना रहे हैं, जबकि आपका मन उसके लिए हाँ नहीं कह रहा है। आपका मन उसके लिए कह रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इस चीज़ से खुशी नहीं है, मुझे इस चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आगे आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है। आप ये मत सोचो कि मैं अगर अपने मन की आवाज़ को दबा लूँगा तो मैं तो मतलब कि ऐसे ही मैं तो बहुत कम पैसे कमाऊँगा, या मैं अपनी पसंद की लाइफस्टाइल नहीं जी पाऊँगा, या मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इंडिकेशन दी है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस की देखो पैसा तो रहेगा आपके पास, फॉर्च्यून्स रहेंगे, रिसोर्सेज रहेंगे, आपके पास अच्छी वेल्थ रहेगी, तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यूनिवर्स ये कह रहा है कि वहाँ तक पहुँचना कैसा है उसके लिए आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास आया है गाइडेंस का कार्ड और साथ साथ में टेम्पल पाथ। तो गाइडेंस का कार्ड और टेम्पल का पाथ आपको यही बताता है कि यूनिवर्स कह रहा है कि बच्चा अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए तो मांगो, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस के लिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशंस नहीं पता है कैसे करते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम का चैनल देख सकते हैं, मैं वहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताती हूँ, या फिर आप गूगल कर लीजिए, या आप किसी और की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देख लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट कीजिए यूनिवर्स से। अगर आप इफ़ पॉसिबल आप जिनको भी मानते हैं उनके आगे दिया जलाएं, उनका ध्यान करें, उनके बारे में माला जपें, मेडिटेशन करिए और यूनिवर्स से मांगिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस करिए कि मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ूँ और मुझे सक्सेस मिले, क्योंकि आपके लिए सक्सेस डेफिनेटली है। बट यूनिवर्स कह रहा है कि उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे परमिशन मांगनी होगी, नॉट इवन सॉरी परमिशन इज़ अ रॉन्ग वर्ड, परमिशन ही, आपको मैं हेल्प करना चाहता हूँ तो प्लीज़ आस्क दैट हेल्प। यूनिवर्स कह रहा है कि मैं आपको हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, आप मुझसे हेल्प मांगो प्लीज़, ठीक है। तो डेफिनेटली इस रेट्रोग्रेड में दिख रहा है कि आपके जो अंदर का जो आप हमेशा से वॉइस दबा रहे थे, अपने पैशन को दबा रहे थे, वो पैशन उठ के आ रहा है, वो पैशन फ्रंट फुट पे आ रहा है और वो एक्चुअल सीरियस मूड में जा रहा है। पर उसके लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत गाइडेंस मिलेंगी, बस आपको मैनिफेस्ट करना है। तो आपको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू मैनिफेस्ट, यू नीड टू आस्क यूनिवर्स जो आपको चाहिए, ठीक है, जिस चीज़ के आपको नीड है वो आपको यूनिवर्स से मांगनी होगी। आगे देखते हैं हमारे पास क्या आया है।
तो वी हैव फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. इससे ज़्यादा क्या रिलेटेबल होगा गाइस? आई स्वेयर मैंने ये कार्ड्स पहले बिल्कुल नहीं देखे थे और आई जस्ट लव जब मैं कार्ड्स बता रही होती हूँ स्टोरी के साथ बिल्कुल अलाइन हो रहे होते हैं कार्ड्स. तो आपको अभी भी यही आ रहा है कि जो आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस करिए, वो यूनिवर्स से मांगिए और बेस्ट पॉसिबल आउटकम का वेट कीजिए क्योंकि यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू. आगे देखते हैं हमारे पास क्या आया है. पिलर ऑफ लाइट, यू योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल. तो डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है. क्यों? क्योंकि आप अपने मन का सुन रहे हैं और जब इंसान अपने मन की सुनता है और जब इंसान अपना जो उसे मन से चीज़ चाहिए होती है उसके बारे में सोचता है तो उसका अलग ही स्पार्क, अलग ही चार्म होता है, अलग ही वाइब्रेशन होती है. तो आप अपने बेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? सो उसकी तरफ कंटिन्यू कीजिए अपनी जर्नी. और नेक्स्ट हमारे पास आया हुआ है ब्लू टर्मलिन. ओके, सो दिस इज एक्चुअली सेइंग यू नो व्हेन पीपल आर टेलिंग द ट्रूथ एंड व्हेन दे आर नॉट. स्टडिंग एंड लर्निंग आर गुड हैबिट्स फॉर योर ओवरऑल वेल बीइंग. यू आर वाइज. ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये कहा जा रहा है कि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, आप खुद में बहुत समझदार हैं और आपको ये पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है हर तरीके से पॉसिबल. तो आप उस बेस्ट की तरफ जाइए एंड यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू. सो पायल नंबर टू ये है आपकी रीडिंग. इफ यू रिलेटेड टू इट प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए आई क्लेम पायल नंबर टू रीडिंग एंड आई विल सी नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पायल नंबर थ्री में इस स्टोन को चूज किया है, इस क्लियर कलर्ड ग्लास स्टोन को, बहुत ग्लेज से स्टोन को, अब हम जानते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग में क्या आता है, कि सैटर्न रेट्रोग्रेड उनके साथ क्या करेगा, क्या चेंजेस लाएगा, क्या कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में इस टाइम में. आइए हम जानते हैं गाइस. यहाँ पे पहले कार्ड्स निकाल रखे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ ही खोलूंगी, मैंने इन्हें पहले नहीं पढ़ा हुआ है. जनरल रीडिंग है तो गाइस ऑब्वियसली 70-80% रिलेट होगी. जो होता है पिक दैट, जो नहीं हो रहा है मतलब कि वो किसी और के लिए बना है जनरल रीडिंग में, तो आप उसे जाने दीजिएगा. बाकी पर्सनलाइज रीडिंग का भी आप ऑब्वियसली मुझसे मौका जीत सकते हैं फ्री में, सिर्फ यू नो फॉलो करके. तो चलिए ऑल द बेस्ट, अब हम देखते हैं आपकी रीडिंग. सो हमारे पास पहला कार्ड है द टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स. देन वी हैव द डेथ कार्ड. ओके, फिर हमारे पास है हीलिंग कार्ड. फिर वी हैव अवेयरनेस एंड देन वी हैव माइंड कार्ड इन रिवर्स. ओके, तो पहले मैं इसी से काफ़ी क्लियर कर देती हूँ. मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई चीज़ का एंड हुआ है. ठीक है, मोस्टली मुझे ये जो व्यूअर्स हैं उन 80% ऑफ द व्यूअर्स के लग रहा है कि एक रिलेशनशिप सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है. ठीक है, आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन हुए हैं या आपका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, कुछ भी ऐसा हो सकता है. या फिर आपका कोई मुझे 80% वैसे रिलेशनशिप लग रहा है, बाकी 20% ये जॉब रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि जिस जॉब में आप बहुत होप्स के साथ गए थे तो आपका वहाँ से टर्मिनेशन हुआ है, आपने क्विट किया है, कुछ भी हो सकता है, और अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, तो इस पर्सन के साथ या इस जॉब में अब आपका फ्यूचर आगे नहीं है. सो ये टोटली ख़त्म हो चुका है चीज़, इसका चैप्टर ओवर हो चुका है आपकी लाइफ में. तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रीडिंग में अगर मैं ये बोलूँगी कि वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे, तो सॉरी गाइस, आई एम सॉरी टू से, पर इसके चांसेस कम है, या वो जॉब वाले आपको वापस बुलाएंगे, तो मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है. बट मुझे दिख रहा है कि जब ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, मुझे लगता है कि ये हो चुका है काफ़ी जनों के लिए, ये वाला फेज़ हो चुका है. अब आप लोग हैं उस फेज़ में जहाँ पर आप हील हो रहे हैं. तो इस सैटर्न रिट्रोग्रेड में ये आया हुआ है कि डेफिनेटली आप उस ब्रेकअप से मूव ऑन कर रहे हैं,
आप डेफिनेटली समझ रहे हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जहाँ आपके दिमाग आपको पहले दिन भर एंजाइटी देता था, परेशान कर रहा होता था कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मुझ में क्या कमी थी, क्या रह गया, ये है वो है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, जो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता था कि क्या कमी रहेगी इस रिलेशनशिप में, क्या कमी रहेगी मेरी पार्टिसिपेशन में, मेरे एफर्ट्स में, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि ये रिलेशनशिप क्यों नहीं काम हुआ, ये सिचुएशन क्यों नहीं काम की, और इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ तो क्यों हूँ, क्यों नहीं हूँ वहाँ पे। और आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं, आप ये जो ब्रेकअप हुआ है या ये जो सिचुएशन ख़त्म हुई है, इसका जो पेन या लॉस था, अब आप इससे धीरे धीरे उभरना शुरू हो चुके हैं। चलिए हम देखते हैं आपके एनर्जी शिफ्ट्स के आए हुए हैं। सो वी हैव द गॉडेस ऑफ द मून इन रिवर्स, एंड देन वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, ये मैं स्ट्रेट ही लेना चाहूंगी, ये मुझे फीलिंग नहीं दे रहा है रिवर्स की। ओके, सो डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि पहले जहाँ पर आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा मून होता है कामनेस, पीस का, कामनेस का, शांति का प्रतीक, तो डेफिनेटली जो ये शांति प्रति वगैरह थी, ये पहले आपकी भंग हो चुकी थी, क्योंकि आप एक बहुत मेजर एक लॉस, एक किसी चीज़ की एंडिंग से गुजर रहे थे। बट अब धीरे धीरे आप पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो डेफिनेटली इस रेट्रोग्रेड में मुझे आपकी तरफ से जो भी सिचुएशन हुआ है उसकी तरफ को एक्सेप्टेंस दिख रहा है, मूविंग ऑन दिख रहा है, जो कि बेसिकली आपकी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के लिए है। सो सरप्राइजिंगली हीलिंग दो बार आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी जो अब आप मूव ऑन करने वाले हैं, ये जो भी सिचुएशन है ये आपके सेल्फ गुड के लिए हुई थी, आपके बेस्ट के लिए हुई थी, ये आपको डेफिनेटली पता लगने लग गया है। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करने लगे हैं इस चीज़ को, और आप धीरे धीरे अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, आप ना पीस की तरफ जा रहे हैं, आपको शांति मिल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें व्हाइट पिजन भी दिख रहा है, तो आपको बहुत पीस मिलने वाला है, आप अबंडेंस यहाँ पे आप देखिए तो पीकॉक भी है, तो मतलब बहुत अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, हैप्पीनेस, अपने सेल्फ गुड के लिए जा रहे हैं, अपने सेल्फ बेटरमेंट के लिए आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए वो रास्ता खुल रहा है इस रेट्रोग्रेड में, कि जहाँ आप वो डार्क मोड से धीरे धीरे लाइट मोड की तरफ जाने लगे हैं। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। तो आपके लिए आया है द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। यस, तो स्पिरिट जानता है कि आपने जो भी रिलेशनशिप में या जो भी सिचुएशन है, आपने इसमें कितने ऑनेस्टली एफर्ट्स डाले थे, आपने कितने ऑनेस्टली इस चीज़ को निभाया था, और यूनिवर्स उसको अप्रिशिएट करता है, स्पिरिट्स उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसलिए वो आपके साथ पूरा पूरा हैं, वो आपके दर्द को समझ रहे हैं, आपकी जर्नी को समझ रहे हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हम हैं, और तुम देखना कि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ लाइफ में भी आगे अच्छा होगा, तुम्हारे साथ मिरेकल्स डेफिनेटली होने वाले हैं, क्योंकि तुमने इतना कुछ सहा है। तो आप इस रेट्रोग्रेड में अपनी तरफ कोई मिराकल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, और आप इस सिचुएशन में जो आज हैं, कि जहां आपको सही गलत का मतलब समझ में आ रहा है, आपको डिवाइन टाइमिंग का समझ में आ रहा है कि क्यों अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, ये सिचुएशन का क्या मतलब रिजल्ट निकला है, ये सब एक डिवाइन टाइमिंग है, यूनिवर्स की प्लानिंग है, और ये इसके लिए आप आज से प्रिपेयर नहीं किए जा रहे थे, आप पहले से प्रिपेयर किए जा रहे थे, अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं, एंड इवन इफ नॉट पास्ट लाइफ, तो आपको शुरू से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, तभी आप इतने स्ट्रांग बन सके कि आपने ये जो सिचुएशन जो ख़त्म हुई है, इससे आप इतनी ग्रेसफुली वॉकआउट कर रहे हैं, बीइंग बेटर एंड स्ट्रांगर। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव सार्डोनिक्स, तो ये आपको ये बेसिकली बता रहा है, प्रैक्टिस इंटीग्रिटी इन अलाइनमेंट विद द कॉस्मिक ऑर्डर एंड वॉच हाउ योर अबंडेंस ग्रो ऑन ऑल लेवल्स। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी का बहुत मेजर रोल प्ले हो रहा है आपके लिए गाइस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बेसिकली यूनिवर्स का प्लान समझना है,
और आपको समझ में आएगा भी. तो दिस रेट्रोग्रेड डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. और जब आप ये चीज़ें समझने लगेंगे, यूनिवर्स का जो आपके साथ ये सिचुएशन हुआ है इसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, तो आप मेंटली ग्रो करेंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, एज अ सोल आप ग्रो करेंगे. और देखिए, जब हमारी ग्रोथ होती है तो हमारी लाइफ में अबंडेंस भी डेफिनेटली आती है. सो गाइज, दिस रेट्रोग्रेड एक्सपेक्ट मोर पीस, मोर हैप्पीनेस, मोर हीलिंग, और स्पिरिचुअलिटी को आप और एम्ब्रेस कीजिए, मेडिटेट कीजिए. मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, गुरुद्वारा, चर्च. अगर कोविड सिचुएशन के टाइम पे आप नहीं जा सकते हैं तो खुद ही आप उनको उनको याद कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं उनको याद कीजिए. यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, और देखिए सब कुछ सही होगा. सो पाइल थ्री, दिस इज योर रीडिंग. इफ़ यू रिलेटेड टू इट, प्लीज़ गिव द लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स. आई क्लेम दिस रीडिंग, लिखिए कमेंट बॉक्स में रीडिंग को लेने के लिए. एंड आई सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय.